टेक्निकल और एजुकेशनल वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को और हमारे वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेलेक्ट करें। ये DFCCIL के प्रीवियस ईयर के कटआउट के बारे में दोस्तों, जैसा कि प्रीवियस ईयर यानी कि दोस्तों 2021 में जो वैकेंसी आई थी और उसका दोस्तों पेपर हुआ था 27 से लेकर के 30 सितंबर के बीच में, तो आज हम बात करेंगे उसी के कट ऑफ के बारे में कि अलग अलग ट्रेड में दोस्तों क्या क्या कट ऑफ वहाँ पे आया था। तो दोस्तों वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा, बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है दोस्तों, आप लोगों को एक अच्छी जानकारी यहाँ पर मिलेगी दोस्तों। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। देखिए दोस्तों यहाँ पर जो आया था एग्जीक्यूटिव OP एंड BD के लिए दोस्तों, तो यहाँ पर हम देख सकते हैं कि जो कट ऑफ आया था कुछ इस तरीके से आया था दोस्तों। यहाँ पर जो कट ऑफ हमारा आया था वो कुछ इस तरीके से आया था। देखिए यहाँ पर जो जनरल के लिए कट ऑफ गया था दोस्तों, यहाँ पर यानी अनरिजर्व के लिए जो गया था दोस्तों यहाँ पर कट ऑफ, वो देखिए यहाँ पर गया था दोस्तों 98 गया था हाइएस्ट कट ऑफ। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे गया था लोवेस्ट कट ऑफ गया था 84 गया था दोस्तों। यहाँ पे देखिए यहाँ पे दिया गया नॉर्मलाइज मार्क्स आउट ऑफ 120, यानी दोस्तों ये जो मार्क्स है वो 120 नंबर में इतनी कट ऑफ आपकी गई थी दोस्तों। और दोस्तों देखिए यहाँ पे दिया गया कि फाइनल स्कोर, देखिए दो चीज़ दिया गया दोस्तों, एक दिया गया फाइनल स्कोर, तो देखिए फाइनल स्कोर की जो मेरिट गई थी दोस्तों वो यहाँ पे गया था CBT और CBAT के स्कोर पे दोस्तों, वहाँ पे ऑन स्केल ऑफ 100, यानी दोस्तों यहाँ पे 100 के हिसाब से गया था, क्योंकि यहाँ पे रेशियो था दोस्तों कि 70% मार्क्स जो है वो CBT का ऐड हो रहा था और जो 30% मार्क्स था वो CBAT का ऐड हो रहा था। आप यहाँ पे देख सकते हैं कि इसके बारे में यहाँ पे समझाया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे इसके बारे में बताया गया अच्छे से कि जो यहाँ पे जो मार्क्स जुड़ा है वो 100 नंबर कैसे बना है दोस्तों, तो वहाँ पे परसेंटेज डिसाइड था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो परसेंटेज था वो किस इस तरीके से, देखिए देखिए 70% जो वेटेज था दोस्तों वो नॉर्मलाइज मार्क्स का था दोस्तों, जो CBT में ऑप्टेन वो किया गया था। उसके बाद दोस्तों यहाँ पे 30% मार्क्स था वो CBAT का था। तो आप आई होप आप समझ गए होंगे। देखिए दोस्तों हम आगे बात कर लेते हैं। तो यहाँ पे जो कट ऑफ गया था दोस्तों, फाइनल कट ऑफ गया था वो गया था 77 गया था दोस्तों यहाँ पे, और जो लोवेस्ट था वो 73 गया था। तो आप देख सकते हैं कि कट ऑफ में अंतर जो हुआ है दोस्तों, ऐसा नहीं है कि नहीं हुआ है, डिफरेंस तो हुआ है। और ये देखिए दोस्तों, ये मैं भूल गया कि ये 120 नंबर के बेस पे था, ये 100 नंबर के बेस पे यहाँ पे दिया गया है। देखिए दोस्तों यहाँ पे EWS के लिए गया था 84 गया था हाइएस्ट कट ऑफ, और जो लोवेस्ट कट ऑफ था वो गया था 79 गया था। तो आप यहाँ पे देख सकते हैं, और यहाँ पे देख सकते हैं फाइनल मार्क्स कुछ इस तरीके से गया था। हम बात करते हैं OBC के लिए दोस्तों, जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं, तो वो 90 गया था कट ऑफ उनके लिए हाईएस्ट, और जो गया था लोवेस्ट वो गया था 80 गया था। और यहाँ पे आप आगे भी देख सकते हैं कि फाइनल स्कोर किस हिसाब से गया था। यहाँ पे SC ST के लिए भी कट ऑफ जो गया था दोस्तों कुछ इस प्रकार से गया था, यहाँ पे 84 और 83 गया था हाईएस्ट कट ऑफ, और जो लोवेस्ट कट ऑफ था वो 75 और 71 गया था। एक सर्विस मैन के लिए दोस्तों यहाँ पे कुछ हद तक राहत है, क्योंकि एक सर्विस मैन का जो मेरिट गया था दोस्तों वो 83.96 गया था जो हाईएस्ट है, और जो लोवेस्ट है वो 57 ही गया था। तो आप समझ सकते हैं कि एक सर्विसमैन को फ़ायदा यहाँ पे है। देखिए दोस्तों यहाँ पे PW के लिए आया था, PW BD के लिए दोस्तों आया था, जो विकलांग वगैरह लोग हैं उनके लिए जो हाईएस्ट कट ऑफ गया था उसका फाइनल स्कोर जोड़ा गया है दोस्तों 100 के बेस पे, तो उनका जो हाईएस्ट कट ऑफ था वो था 72 और जो लोवेस्ट था वो था 59, कुछ इस प्रकार से था। दोस्तों यहाँ पे हम बात करते हैं इलेक्ट्रिकल एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का जो पोस्ट आया था उसको हम बात करते हैं कि उसके लिए कट ऑफ कितना गया था। देखिए यहाँ पर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल का था, उसका भी एग्जाम 27 से लेकर 30 सितंबर के बीच में हुआ था दोस्तों, और आप यहां पर देख सकते हैं कि उसमें केवल एक ही पेपर हुआ था, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन वगैरह सब कुछ हुआ था। देख सकते हैं यहां पे जो आया है अनरिजर्व के लिए दोस्तों, यहां पे जो अनरिजर्व के लिए आया है हाईएस्ट कट ऑफ वो दोस्तों गया है 105 नंबर दोस्तों, ये गया है 120 नंबर में दोस्तों, 105.5 गया है मेरिट्स की दोस्तों, और जो लोवेस्ट कट ऑफ है वो 103.5 गया है। तो दोस्तों आप समझ सकते हैं कि ये कट ऑफ जो है किस हिसाब से वेरी कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे हम बात कर लेते हैं, आगे बात करते हैं। तो देखिए यहाँ पे जो गया था EWS के लिए वो गया था 102 नंबर गया था दोस्तों, और जो लोएस्ट था वो 101 नंबर गया था। अदर बैकवर्ड क्लास जो नॉन क्रीमी लेयर में आते हैं वो 103 नंबर गया था कट ऑफ, और लोएस्ट जो 101 नंबर गया था। शेड्यूल का SC ST के लिए 103 नंबर गया था, और यहाँ पे 98 गया था, और ST के लिए दोस्तों यहाँ पे 99 गया था हाईएस्ट, और 96 लोएस्ट कट ऑफ यहाँ पे गई थी दोस्तों। और यहाँ पे देखिए नीचे दिया गया है आपका जो PW BD था उनके लिए 87 गया था दोस्तों यहाँ पे हाईएस्ट कट ऑफ, और लोवेस्ट गया था 84 यहाँ पे गया था। एक सर्विस मैन के दोस्तों यहाँ पे 79 गया था हाईएस्ट, और 70 नंबर यहाँ पे
लोवेस्ट कटऑफ यहाँ पे गई थी। अब हम बात कर लेते हैं दोस्तों यहाँ पे एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए। दोस्तों देखिए एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की ज़्यादा पोस्ट तो नहीं आई थी, शायद 3-4 ही पोस्ट वहाँ पे आई थी, तो उसका कटऑफ कुछ इस तरह का गया था दोस्तों। यहाँ पे अनरिजर्व कैटेगरी के लिए दोस्तों यहाँ पे 78 नंबर गया था, 78 मार्क्स गया था, और यहाँ पे गया था लोवेस्ट 76 गया था। और दोस्तों यहाँ पे PWBD के लिए एक पोस्ट आया था, उसमें उसके लिए 71 गया था यहाँ पे हाईएस्ट कटऑफ, और लोवेस्ट कटऑफ 71 ही गया था क्योंकि एक ही सीट थी दोस्तों, तो हाईएस्ट लोवेस्ट उसी कटऑफ पे बन गया था। तो दोस्तों देखिए यहाँ पे जूनियर एग्जीक्यूटिव इलेक्ट्रिकल के लिए हम बात कर लेते हैं कि उनकी कटऑफ किस प्रकार से गई थी। तो देखिए यहाँ पे दिया गया अनरिजर्व कैटेगरी जो हाईएस्ट कटऑफ है दोस्तों, वो यहाँ पे दिया गया 71, और यहाँ पे लोवेस्ट कटऑफ दिया गया, यहाँ पे लोवेस्ट कटऑफ दिया गया 60। आप देख सकते हैं EWS के लिए यहाँ पे दिया गया 58 दिया गया, हाईएस्ट लोवेस्ट दिया गया 55.5। OBC के लिए दिया गया दोस्तों यहाँ पे 60.25, हाईएस्ट और लोवेस्ट दिया गया 58.25। यहाँ पे SC के लिए दिया गया 59.50 और लोवेस्ट दिया गया 55 दिया गया है। ST के लिए दिया गया 58.50 और लोवेस्ट दिया गया 50 मार्क्स दिया गया है। और आगे आप देख सकते हैं एक सर्विसमैन के लिए यहाँ पे दिया गया 55 नंबर दिया गया दोस्तों यहाँ मार्क्स, हाईएस्ट कट ऑफ, और यहाँ पे लोवेस्ट दिया गया 36.75। और यहाँ पर दोस्तों PWD वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ दिया गया 50 नंबर दिया गया है दोस्तों हाईएस्ट कटऑफ, और जो लोवेस्ट दिया गया वो 40 मार्क्स दिया गया है। चलिए हम आगे देख लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल की बात कर लेते हैं दोस्तों, तो उसमें कितनी हाईएस्ट कटऑफ गई है। तो देखिए यहाँ पे जो हाईएस्ट कटऑफ गया है जूनियर एग्जीक्यूटिव मैकेनिकल के लिए, वहाँ पे गया हुआ है अनरिजर्व कैटेगरी के लिए 103 नंबर गया है दोस्तों हाईएस्ट, और लोवेस्ट गया 97 गया है। EWS के लिए दिया 97 हाईएस्ट गया है, और 97 यहाँ पे लोवेस्ट की कटऑफ गया है। और यहाँ पे दोस्तों देखिए SC के लिए गया है 93 गया है, और 93.50 इसमें भी गया है। ST के लिए दोस्तों यहाँ पे 85.5 गया है, 85.5 लोवेस्ट और हाईएस्ट दोनों एक ही है। यहाँ पे देखिए दोस्तों यहाँ पे PWD के लिए दिया गया है 83.25 गया है हाईएस्ट, और लोवेस्ट गया 83.25। एक सर्विसमैन के लिए 73 गया हाईएस्ट, और लोवेस्ट गया है 68.25। चलिए हम आगे देख लेते हैं जूनियर एग्जीक्यूटिव का तो ख़त्म हो गया दोस्तों, यहाँ पे एग्जीक्यूटिव SNT की बात हम कर लेते हैं। तो उसमें कट ऑफ किया गया था, उसमें भी अनरिजर्व कैटेगरी दोस्तों 98 गया था, और लोवेस्ट 89 गया था। EWS के लिए 88.75 गया था हाईएस्ट, और लोवेस्ट गया था 85.75 गया था। SC के लिए यहाँ पे 87.50 गया था, और लोवेस्ट 79.50 गया था। SC के लिए दोस्तों यहाँ पे 81 गया था हाईएस्ट, और लोवेस्ट गया था यहाँ पे 76.25 गया था। OBC के लिए यहाँ पे 101.50 गया था दोस्तों यहाँ पे कट ऑफ हाईएस्ट, और जो लोवेस्ट कट ऑफ था वो गया था 86 गया था। PWD के लिए यहाँ पे 77 गया था हाईएस्ट, और लोवेस्ट 59.25 गया है। और एक सर्विसमैन के लिए 83.25 हाईएस्ट, और लोवेस्ट 58.50। हम दोस्तों बात करते हैं एग्जीक्यूटिव सिविल की। देखिए एग्जीक्यूटिव सिविल के लिए जो हाईएस्ट कटऑफ था दोस्तों, जो अनरिजर्व कैटेगरी था वो 105.25 था दोस्तों, और लोवेस्ट था वो 78.50 था। EWS के लिए दो यहाँ पे देख सकते हैं 78 था हाईएस्ट, और लोवेस्ट था 77 है। SC के लिए 77.25 हाईएस्ट है, और 72.50 लोवेस्ट है। SCT के लिए दोस्तों यहाँ पे 77 हाईएस्ट मार्क था, और 70.50 लोवेस्ट मार्क्स है। OBC के लिए यहाँ पे 84.5 गया दोस्तों, और यहाँ पे लोवेस्ट गया 76.25। PWD के लिए यहाँ पे गया 63 गया है हाईएस्ट, और 60 मार्क्स गया है लोवेस्ट कट ऑफ गया है। एक सर्विसमैन के लिए 52 मार्क्स गया हाईएस्ट, और लोवेस्ट गया 59 मार्क्स। तो दोस्तों ये था DFCCL का जो प्रीवियस ईयर यानी 2021 का जो कट ऑफ गया था उसका डिटेल था। अब हम अगली वीडियो जो आएगी दोस्तों उसमें हम बताएंगे प्रीवियस ईयर जो 18 में हुआ था दोस्तों, 2018 में 2018 में हुआ था, उसके कट ऑफ के बारे में हम चर्चा यहाँ पे करेंगे। दोस्तों नेक्स्ट वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए दोस्तों, और वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करिएगा। और दोस्तों हम यहाँ पर प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर भी अपलोड करेंगे दोस्तों, कि यहाँ पर किस डेट को किस शीट में पेपर हुआ था दोस्तों, कौन से ईयर का, सारा डिटेल उसमें आप लोग को डिटेल से एनालिसिस देखने को मिलेगा, क्योंकि हम पेपर ही केवल अपलोड नहीं करेंगे उसका डिटेल से एनालिसिस भी करेंगे। तो दोस्तों ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।